आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड में कई एक जगह अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर छोटे मोटे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें आदिवासियों का सम्मान, उसके प्रति आस्था एवं उसकी संस्कृति को दिखाया गया। यह कार्यक्रम खरनी पंचायत के आदिवासी टोला में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें खरनी पंचायत के मुखिया सह कार्यकारी अध्यक्ष मनोज हाडी की अहम भूमिका रखी। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य सह कांग्रेस वरिष्ठ नेता अशोक सिंह ने मांजर बजाकर यह प्रदर्शित किया, आदिवासी को भी मूल धारा में लाकर समाज के समान अधिकार दिलाना कांग्रेस की प्राथमिकता रही है। इस अवसर पर जयनगर के मुखिया सह जिला अध्यक्ष किसान सेल धनबाद कांग्रेस साधु हाजना ने भी नगाड़े बजाकर आदिवासियों का उत्साहवर्धन किया। सभी नेतागण ने आदिवासियों को अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया और सबके बीच मिठाई बांटी। धनबाद से मनीष कुमार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, इसका सर्वांगीण विकास हो, आपके क्षेत्र में सभी लोग शिक्षित हो, इसके लिए क्या पहल कर रहे हैं? सबसे पहले मैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हमारे देश के सभी आदिवासी भाई बहनों, माता बहनों, बच्चे बच्चियों सभी को बधाई देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामना भी देता हूं और सभी से आग्रह भी करता हूं कि जिस तरह से आज इन लोगों का, खास करके हमारे आदिवासी भाई बहनों का जो सर्वांगीण विकास की बात कहते हैं, उनसे काफ़ी कोसों दूर है। इसका मुख्य कारण है कि इन लोगों को कभी जागरूक किया ही नहीं गया है। आज जानते हैं कि सबसे जरूरी है मौलिक शिक्षा का अधिकार, उन सब के लिए कभी इन लोगों को जागरूक किया ही नहीं गया है। जिस तरह से होना चाहिए व्यापक पैमाने पर, उस तरह से हुआ नहीं। जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप हर मायने में वो विकास करने में सक्षम हो पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि सर्वांगीण विकास के लिए हर गांव में, हर गांव चौपाल में इन लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है और शिक्षा से जोड़ने की ज़रूरत है। और इसी का कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित भी हुए हैं और हम लोग हमेशा सभी भाई बहनों को, आदिवासी भाई बहनों को ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से सभी लोग आज तक आप लोग को बरगलाते आए हैं, किसी न किसी लोभ प्रलोभन दे करके, ये सब कुछ छोड़िए। आप लोग अपने आप आत्मनिर्भर बनिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीखिए, तब जा करके आप लोग का सही मायने में विकास हो पाएगा। आदिवासी दिवस है और किस तरह से कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया गया है और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? देखिए, आज आदिवासियों के संस्कृति की रक्षा के लिए आपको ज्ञात होगा कि 94 दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आदिवासी दिवस मनाने का ऐलान किया था, विश्व आदिवासी दिवस, ताकि आदिवासी समाज की संस्कृति, सामाजिक संरचना की रक्षा हो सके, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से गोविंदपुर प्रखंड के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज हाड़ी जी के नेतृत्व में बेलटाउन में ये इसका आयोजन किया गया है और आज एक साथ दो कार्यक्रम हो रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के साथ साथ गांधी जी ने एक नारा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, करो या मरो, 8 अगस्त 1942 को ये नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और करो और मरो, कुछ उपाय नहीं बचा था उस वक्त। तो आज दोनों कार्यक्रम को सम्मिलित रूप से कांग्रेस पार्टी मना रही है, हर मुद्दे पे वो लोकतंत्र का माखौल उड़ाए हुए हैं, चाहे न्यायपालिका हो, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, हर जगह पे उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा करके रखा है और लोकतंत्र की धज्जी उड़ा करके रख दिया है। कोरोना जैसे भीषण महामारी संकट जो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी लोग नजर आए, ये गांव हैं और गांव में भी जितने लोग नजर आ रहे हैं, सबका चेहरा ढका हुआ है,
तो ये चेहरा जो ढका हुआ है इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार हमारा केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी है, क्योंकि बाहर से जिस वक्त कोरोना यहाँ आ रहा था, अगर वो रोक लगा देते तो शायद भारत की स्थिति नहीं होती। आज विश्व में भारत सबसे ऊपर स्थान पे आ गया है। प्रतिदिन का आंकड़ा अगर देख लीजिए तो कल 64,000 का आंकड़ा आया था, जो कि विश्व में सबसे अधिक है। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ कोरोना का ग्राफ भारत में है, और इसके लिए पूरी तरह से भाजपा और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। अभी मांझी आलम को भी सम्मानित करने वाला है, क्या क्या करेंगे? हाँ, हमारे जो आदिवासी भाई हैं उसमें मांझी, इस गांव के जो मांझी हराम हैं, उनके साथ और भी 5 लोग हैं जिनको कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग सम्मानित करेंगे। और आपने देखा कि इतनी बढ़िया नृत्य जो हमारी आदिवासी माता बहने हैं, उन्होंने इस आदिवासी अवसर पर बहुत ही अच्छे नृत्य की प्रस्तुति की है। मैं अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से आदिवासी समाज को आज आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। सर्वांगीण विकास के लिए, आदिवासी का सर्वांगीण विकास को क्या करना होगा? देखिए, आदिवासियों का सर्वांगीण विकास के लिए जो सबसे मूल चीज है कि हर गांव में जहां आदिवासी लोग हैं वहां शिक्षा का बेहतर व्यवस्था हो, क्योंकि जब तक आप शिक्षा का स्तर नहीं सुधारेंगे, लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक आप विकास की बात नहीं कर सकते हैं। किसी भी समाज का विकास तभी हो सकता है कि जब उस समाज के लोग शिक्षित हों, और आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आदिवासी समाज के बीच में शिक्षा उनके गांव, उनके घर तक पहुंचाए।